उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नया नारा दिया है, नंबर वन का नारा दिया है। लेकिन इस नारे के बारे में लोग हकीकत जान गए हैं और मखौल भी उड़ रहा है। नारे हैं, नारों का क्या? असल में ये कहानी है वहाँ के पेपर लीक की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकारमय होता जा रहा है। चुनाव आने वाले हैं और ये पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे ढेर सारे मामले हुए हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर अंशु अवस्थी इस पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं। वादा था 70 लाख नौकरियां देकर रोजगार में नंबर वन बनाने का, लेकिन बना दिया पेपर लीक में नंबर वन। 19 मार्च 2017 को बनती है भाजपा सरकार और उसके बाद होती है पेपर लीक की बौछार और सरकार रहती है बिल्कुल लापरवाह। 2017 अगस्त में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक होता है, फरवरी 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक होता है, 2018 में ही पावर कॉरपोरेशन का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है, शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 का पेपर लीक होता है, 41,520 सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है, अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है और अगस्त 2021 में ही पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होता है, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाचार्यों की भर्ती का पेपर लीक होता है, अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का पेपर लीक होता है, एनडीए का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है और उत्तर प्रदेश में नीट का पेपर लीक होता है और आज फिर से यूपी टीईटी का पेपर लीक होता है। बना दिया पेपर लीक में नंबर वन, वाह मुख्यमंत्री जी वाह। देख रहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान 2022 में सत्ता से बाहर कर तोड़ेगा आपका अभिमान। अब योगी सरकार के बाद चलते हैं खट्टर सरकार पर। भाजपा सरकार में ऐसा लगता है कि लीकेज बहुत ज़्यादा है। आपने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पेपर पहले लीक किए जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या जांच होगी क्या नहीं होगी वो बात का विषय है, लेकिन ये एक गंभीर बात है। इसी तरह हरियाणा में खट्टर सरकार पर भी ढेर सारे आरोप लगे हैं, ढेर सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पेपर होने से पहले ही लीक हो गए हैं। आपको ले चलते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ दिन पहले पेपर लीक जो हरियाणा में हुए हैं उसके बारे में किस तरह खट्टर सरकार पर निशाना साधे हैं, आपको उनकी बात सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार की अटैची दो नौकरी लो योजना के तार अब ऊपर तक जुड़ चुके हैं। राज खुलने से पहले ही एक नई स्कीम चला दी, घोटाले दबाओ घोटालेबाज बचाओ योजना। अटैची कांड को भी 2018 के कैश फॉर जॉब स्कैम की तरह दबाया जा रहा है। साथियों, खट्टर सरकार की एक कला मशहूर है, कितने ही घोटाले हों, कितनी ही नौकरियां बिकें, मुख्यमंत्री जी के तीन जुमले कायम है, पारदर्शिता, मेरिट, बिना पर्ची बिना खर्ची। 7 साल में 32 पेपर लीक हो गए, मंडी लगा कर बिके, भर्ती घोटाले उगड़े, 7 साल में कोई जांच, 32 के 32 पेपर लीक घोटालों की कोई जांच आज तक परिणाम तक नहीं पहुंची, न किसी अपराधी की सजा हुई। खट्टर सरकार हर नौकरी भर्ती घोटाले को हाथ की इस सफाई से बचाती है कि इनके कमीशन के चेयरमैन साहेबान, कमीशन के मेंबर साहेबान, सरकार में बैठे सफेदपोश वो साफ बच निकलते हैं। अदालतें फटकार लगाती रहती, लेकिन खट्टर साहब की पुलिस जानबूझकर सबूत अदालत में पेश ही नहीं करती। महाव्यापम घोटाले या अटैची दो नौकरी लो कांड में भी खट्टर सरकार व उनका विजिलेंस विभाग पूरा मामला रफा दफा करने की तैयारी में है। एक बार फिर एचपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, एक बार फिर एचएसएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, एक बार फिर सरकार में बैठे सफेदपोश और मठाधीशों
एक बार फिर रिश्वत देकर नौकरी लगने वाले लोगों उन सबको जान से बचा दिया गया है, पहले अब तक बचा ही दिया गया है। एक बार फिर अगर ठगे जाएंगे तो वो हैं हरियाणा के नौजवान। ये बात इस तथ्यों से साबित होती है जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के युवाओं को इस ऑपरेशन अटैची कांड कवरअप का जवाब देना होगा और 6 तथ्य लेकर कागजात सहित सरकार के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। पहला, एप्लीकेशन पोर्टल स्कैनिंग पेपर चेकिंग करने वाली हटाई गई कंपनी को एचपीएससी की भर्ती का ठेका क्यों व कैसे दिया गया? एफआईआर रिमांड एप्लीकेशंस में नामजद आरोपियों की जांच गिरफ्तारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? साथियों, अटैची रिश्वत कांड की अगर एफआईआर देखें, मैं उसकी कॉपी भेज रहा हूं, यह 17 नवंबर 2021 की अटैची रिश्वत कांड की एफआईआर। इसमें फर्जी ओएमआर शीट भरने तथा रिश्वत का पैसा लेने का सीधा इल्जाम जसबीर सिंह भलारा और उसकी कंपनी मेसर्स सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वे आरोपी नवीन पर है। मैं एक लाइन सिर्फ आपको पढ़कर बताऊंगा। चेयरमैन एचपीएससी को इसके फ्रॉड्स का पता चला तो इनकी एजेंसी को हटा दिया था, परंतु इसने जुगाड़बाजी करके दोबारा से एचपीएससी में काम ले लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विजिलेंस विभाग की एफआईआर कह रही है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। विजिलेंस की जांच में और डिफरेंट डिफरेंट जो रिमांड एप्लीकेशंस पेश की गई उसमें भी इसी व्यक्ति जसबीर सिंह भलारा, उसके कारिंदे विजय सिंह भलारा और कंपनी सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ओएमआर शीट्स भरने और पैसे लेने में विजिलेंस विभाग ने नाम लिखा है, मैंने नहीं। जानकारी यह भी है कि एचपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने इस सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हटा दिया था और मौजूदा चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने इस सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और जसबीर भलारा को वापस रख लिया। अब दो तरह के सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हटाई गई कंपनी इसी सरकार में, इसी सरकार के एचपीएससी के पूर्व चेयरमैन द्वारा हटाई गई कंपनी को क्यों, किस कारण, किस हालात में और किसके कहने से दोबारा एचपीएससी की भर्ती का ठेका दिया गया? इन सब बातों के बारे विजिलेंस विभाग द्वारा श्री आलोक वर्मा और एचपीएससी के चेयरमैन से आज तक जांच क्यों नहीं की गई? दूसरा पहलू इसी का सवाल यह भी है कि जब एफआईआर में, जब रिमांड एप्लीकेशंस में प्रिंसिपल एक्यूज्ड के तौर पर, मुख्य आरोपी के तौर पर जसबीर भलारा, उनके दूसरे कारिंदे और विजय भलारा और सेफ डॉट ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है, तो आज तक भी इन व्यक्तियों और इस कंपनी के खिलाफ कोई जांच, कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या यह कारण तो नहीं कि सत्ता में बैठे सफेद पोश मठाधीशों की विशेष कृपा दृष्टि इस कंपनी के ऊपर है, इसलिए इसके खिलाफ पूरा मामला दबा दिया गया? दूसरा पहलू, क्या विजिलेंस विभाग, और यह बहुत चौंकाने वाला है, यह तथ्य अभी तक शायद सार्वजनिक नहीं हुए, क्या विजिलेंस विभाग अनिल नागर
डिप्टी सेक्रेटरी अश्वनी शर्मा और नवीन को जांच के नाम पर ढकोसला पूरा कर पूरा मामला रफा दफा कर रहा है। यह पहली बार सीधा आरोप उन पर है। खट्टर साहब मीडिया में, कल भी उन्होंने कहा, मीडिया में दोषियों को ना बख्शने के लिए छाती ठोकते हैं और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ऊपर से आए विशेष आदेशों के चलते अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन आरोपी को विजिलेंस विभाग मौज करवा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह विजिलेंस विभाग द्वारा अदालत के सामने पेश किए गए कागजों से साफ प्रतीत होता है, जिसके मुताबिक जो इन आरोपियों ने स्वीकार किए दस्तावेज, उनकी जीरो रिकवरी हुई है, जीरो आज तक, नो रिकवरी हैज बीन डन। यही नहीं, विजिलेंस विभाग ने, जो और चौंकाने वाली बात है, 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच यानी 6 दिनों में अलग अलग दरखास्तों में एक ही आरोपी से एक ही दस्तावेज के अलग अलग स्थान बता दिए और अलग अलग दरखास्तें दे डाली। ये शायद आपके सहयोग से भी, आपसे भी संज्ञान से निकल गया और औरों के भी। अब मैं आपको वो एक एक करके क्विकली कागज देता हूं। आरोपी नवीन पर आ जाइए, मैं आपको ये कॉपी भेज रहा हूं। 18 नवंबर 2021 को विजिलेंस विभाग ने रिमांड की ये दरखास्त दी और इस रिमांड की दरखास्त में लिखा कि नवीन से ओएमआर शीट, रोल नंबर और दूसरे दस्तावेजों की रिकवरी गांव कोंड जिला भिवानी से होनी है। इसके आखिरी पन्ने पर यह लिखा है, मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा, बस एक लाइन पढ़ के बता देता हूं। आरोपी के इंसाफ अनुसार आरोपी के घर गांव कोंड तहसील व जिला भिवानी से अभियोग से संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। इसलिए उसका 18 नवंबर को ये विजिलेंस विभाग कहता है। 22 नवंबर को यही विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है, वो ये है, मैं ये भी आपको भेज रहा हूं अदालत को, उसी अदालत को, और कहता है कि नवीन से सोलन हिमाचल प्रदेश से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। अब कौन नहीं कहता, अब सोलन पहुंच जाते। मैं वो लाइन आपको इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा था कि आपका समय ना लिया जाए। 23 तारीख को अगले ही दिन विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है, वो ये है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें ये कहते हैं विजिलेंस विभाग के लोग कि नवीन से शिव कॉलोनी सोनीपत से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। तो भैया 18 तारीख को तो आप कहते हो कौंड से रिकवरी होनी है, भिवानी से, 22 को आप कहते हो कि शिमला, सोलन, हिमाचल प्रदेश से होनी है और 23 को कहते हो शिव कॉलोनी सोनीपत से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हूं कहां से होनी है। आरोपी अश्विनी शर्मा पर आ जाइए। अश्विनी शर्मा के बारे में विजिलेंस विभाग 19 नवंबर को एक दरखास्त देता है और 19 नवंबर को दरखास्त देके मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको भेज रहा हूं, वो ये दरखास्त है, और कहते हैं कि इससे तीन जगह से रिकवरी होनी है दस्तावेजों की। ये अश्विनी शर्मा जो दूसरा आरोपी, एक कहते हैं कि नोएडा से होनी है, एक भिवानी से होनी है और एक यूपी में इसके कई ठिकाने हैं वहां से होनी है। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। आरोपी अश्विनी शर्मा उपरोक्त द्वारा जेर हिरासत बिना किसी डर भय व स्वेच्छा से किए गए इंसाफ अनुसार उसके द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में निकली रहने वाले व्यक्तियों को पकड़वाने के लिए उनके भिवानी, नोएडा व यूपी के ठिकानों को दिखाकर सहयोग करने बारे इंसाफ किया है, इसके बारे में संलिप्तता वगैरह किया जाना। तो पहले बोलते हैं कि यहां हम यहां इन तीन जगह से करेंगे। 22 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं, 19 तारीख को ये कहते हैं, 22 तारीख को वो ये कहते हैं कि वो कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं कि ये HPSC के कार्यालय से होनी है। अश्विनी शर्मा से जो रिकवरी होगी वो HPSC के कार्यालय से होगी। पहले कह रहे थे नोएडा,
भिवानी और यूपी के अन्य ठिकानों से, आप बोलते नहीं एचपीएससी का। 23 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं, फिर एक नई दरखास्त दे डालते हैं, और उस नई दरखास्त में जो कहते हैं वो और भी कमाल की बात है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूं, वो A4 है आपके पास जो भेज रहा हूं मैं, उसमें कहते हैं वो ये दरख्वास्त है कि ये शिव कॉलोनी सोनीपत से होनी है रिकवरी अश्वनी शर्मा से। अब कौन सी बात सच है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक ही विजिलेंस विभाग है 6 दिन में 3 दरखास्तें दे रहा है। अब नागर पर आ जाइए, वो भी बड़ी अजीब बात है। नागर के खिलाफ 19 नवंबर 2021 को, और वो कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये है, ये दरखास्त दी जाती और उसमें कहते हैं कि रोहतक का इसका ठिकाना, रोहतक में उसका मकान है, वहां से रिकवरी होनी है नागर से, और इसलिए इसका रिमांड दे दिया जाए। पर 23 तारीख को फिर वो ये दरखास्त दे देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके रोहतक के मकान से नहीं, इसके मामा के मकान से रिठाल से रिकवरी होनी है। मैं इसलिए ये सारी रिमांड की दरख्वास्तें जो हैं 6-7 सब निकाल कर लाया, आपको भेज रहा हूं। तो साथियों सवाल बड़ा सीधा है कि क्या सिर्फ 6 दिन के अंतराल में विजिलेंस विभाग द्वारा फाइल की गई रिमांड दरखास्तों से साफ नहीं कि विजिलेंस विभाग खुद ही आरोपियों के खिलाफ केस को कमजोर करने पर लगा हुआ है, और इसका क्या कारण है आप पूछ सकते हैं। तो किसी आप जैसे मित्र ने बताया कि क्या यह सही है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो पेश किया गया जिसमें फर्जी ओएमआर शीट भरने का जुड़ाव सत्ता में बैठे मठाधीशों से वीडियो पर साबित हो जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कारण है? आपने देखा कि किस प्रकार से खुद का केस डेमोलिश किया जा रहा है। तो मैंने किसी आप जैसे मित्र से पूछा, उसका साक्ष्य नहीं है इसलिए मैंने तथाकथित कहा कि क्या यह सही है, यह सवाल का जवाब सरकार देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे, क्या यह सही है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो दे दिया गया। तो भाजपा राज्य में जो अपने आप को एक पारदर्शिता की बात करते हैं, अब पोल खुल चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो, अभी ढेर सारे मामले आएंगे, और इस पर खास करके जो हरियाणा पर है, खट्टर सरकार पर है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी आने वाले दिनों में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे। जहाँ तक अंदर की जो खबर है उससे पता लगा है कि ये ऐसी सूचना है जो कुछ दिनों में बाहर आएगी जिसमें खट्टर सरकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल का वक्त आने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए NCTV। नमस्कार।